पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती आनंदपुर प्रखंड के पारा शिक्षक विजय कुमार महापात्र कोरोना काल में गरीबों तक शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। उन्होंने जब देखा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उन्होंने इलाके के बच्चों की पढ़ाई जारी रखने का बीड़ा उठाया। उन्होंने संक्रमण से बचने के सारे उपाय अपनाते हुए निःशुल्क बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, निःशुल्क शिक्षा दिया और सामाजिक दूरी पर बैठा करके ही मैंने शिक्षा दीक्षा दिया कि बच्चे नैतिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा हमसे ग्रहण कर सकें और आगे बढ़ सकें, गरीब बच्चे इसका लाभ ले सकें। आनंदपुर नक्सल प्रभावित होने के साथ साथ भौगोलिक विषमताओं से भी भरा है और इंटरनेट एवं मोबाइल फोन की सुलभता गरीब बच्चों के लिए ना के बराबर है। ऐसे में गरीब बच्चे लॉकडाउन अवधि में जब पढ़ाई से वंचित हुए, तब श्री महापात्र की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने यह काम करना शुरू किया। इस लॉकडाउन अवधि में बच्चे इधर उधर घूमने लगे और जो ऑनलाइन शिक्षा थी वह शिक्षा ले पाने में गरीब बच्चे असमर्थ हुए। शिक्षक श्री महापात्र बच्चों को न सिर्फ उनकी पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास कराते हैं, बल्कि उन्हें नैतिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा देने का भी काम करते हैं। विद्यार्थी भी इस मुश्किल वक्त में इस तरह के प्रयास का लाभ काफी उठा रहे हैं। हम यहाँ ऑनलाइन नहीं पढ़ने सक रहे हैं, यहाँ नेट बहुत कमजोर है सर, हम लोग को यहाँ बुला बुला कर आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग सीख रहे हैं। स्कूली शिक्षा के साथ साथ यहाँ बच्चों को कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने, चेहरे को ढकने एवं हाथों की साफ सफाई करने का भी अभ्यास कराया जाता है, ताकि वो अपने घर वालों को भी इस बात के प्रति हमेशा सावधान करते रहें। बच्चे यहाँ कर न सिर्फ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी हो रहा है। हम यहाँ पे पढ़ कर बहुत ही खुश हैं। हम लॉकडाउन में यहाँ पढ़ रहे हैं। दुर्गम इलाके में इस तरह के प्रयास से निश्चित तौर पर गुरु के प्रति सम्मान और आदर और ज्यादा बढ़ जाता है, जब मुश्किल वक्त में वो शिक्षा का अलख जगा रहे हो। चाईबासा से दिलीप बैनर्जी के साथ मैं दिवाकर कुमार।